has been always dangerous क्योंकि ये स्थान सच में एक खतरनाक to allow our soulish wisdom and talents to work in this realm क्योंकि हम यहां पे अपने जो बौद्धिक ज्ञान है और हमारी जो क्षमताएं हैं हम उनको अनुमति देते हैं काम करने की यस वी शुड नॉट अलाउ हमें उन्हें अनुमति नहीं It देना चाहिए डेंजरस टू अलाउ आवर सोलिश विजडम एंड टैलेंट्स टू वर्क इन दिस रेल हमारी क्षमताएं और हमारे जो ज्ञान है वो यहां पे कार्य करते हैं ये बहुत ही खतरनाक बात है आवर टैलेंट्स हमारी जो क्षमताएं हैं yes. हमारी जो योग्यताएं हैं यस नाउ You know, this is where the danger arises. और यहीं एक खतरा पैदा हो जाता है. Our fleshly desires. और हमारी शारीरिक इच्छाएं. And our lusts. और हमारी लालसाएं. To remain uncrucified will cause a danger in this realm. और वो जो क्रूशित नहीं हुई हैं, वो इस स्थान में बहुत ही खतरनाक हो सकती हैं हमारे लिए. Let me put in this way. और इस प्रकार से मैं रखना चाहता हूँ. If we are moving in the supernatural realm. जब हम मनुष्य व क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। As we heard, there are only two supernatural powers. जैसे कि हमने सुना कि दो प्रकार के अमनुष्य क्षेत्र हैं। Power of God. एक है परमेश्वर का। The other one is the power of the enemy. और दूसरी सामर्थ्य है उस शत्रु की। You know, and if you are moving in the supernatural. यदि आप मनुष्य क्षेत्रों में प्रवेश करते हैं। Then one thing we must be sure of in our lives. तो एक बात हमें सुनिश्चित कर लेना वो अपनी जिंदगी में। You know, we cannot move In the realm of our soulish wisdom. तो हमारी जो मनुष्यगत जो हमारी बुद्धि है हम उसमें नहीं चल सकते We cannot move in our soulish talents, natural talents. जो हमारी नैसर्गिक क्षमताएं और योग्यता हम उसमें our नहीं चल सकते fleshly यहां पे. Desires. और हमारी जो शारीरिक जो इच्छाएं उसके आधार पे नहीं चल सकते The lusts and other aspects of our life which are uncrucified. जो हमारी लोभ और लालच है जो कि क्रूशित नहीं हुए हैं यहां पे हम उसमें नहीं चल सकते That is where the enemy will have an access. और यहीं पे उस शत्रु को आने का पहुंचने का स्थान मिल जाता है। You know, in the life of many believers, बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में who were not given to that crucified life, जिन्होंने अपने जीवन को क्रूशित नहीं किया है were not given and opened to the work of the Holy Spirit, और उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के अधीन काम करने को नहीं दिया है You know, they have gone into a deep spiritual trouble in their lives वे अपनी जिंदगियों में आत्मिक रूप से एक कठिनाई के दौर में अंदर चले गए they have been gotten hold by the enemy और वो शत्रु की जकड़न में आ गए हैं you know because they were unwilling to submit their lives for the spirit unto the spirit और वो परमेश्वर की आत्मा के प्रति अपने आप को देने के लिए अनिच्छुक रहे हैं because they were unwilling for that crucified life क्योंकि वे अनिच्छुक रहे हैं उस सारी चीजों को क्रूशित करने के लिए यू नो दैट ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एनिमी टू कम इन और शत्रु के लिए वो एक मौका बन जाता है अंदर आने का यस नाउ इफ दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग और ये सब कुछ जो है इन दोनों दौरान एंड वी सी दैट ऑल अराउंड अस और ये सब कुछ हम आजू बाजू में देख रहे हैं यू नो हाउ मच मोर इट शैल बी इन दीज एंड टाइम्स और इन अंत के दिनों में और कितना अधिक होगा व्हेन द रेस्ट्रेंट हैज बीन रिमूव्ड जब रोकने वाले हाथ हट जाएंगे एंड द एंटीक्राइस्ट हैज बीन ग्रांटेड द परमिशन टू डिफाइल द सैंक्चुरी द होली प्लेस और उस पवित्र स्थान के अंदर शत्रु को काम करने के लिए अनुमति मिल जाएगी तो वो कितना खतरनाक यस सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जान लेना हमारे द एनिमी विल डुप्लीकेट एवरीथिंग That is in the holy place realm. और इस पवित्र स्थान में शत्रु हर एक चीज की नकल वहां पे लेके आएगा You know, that is one thing he does. और एक चीज है जो ये करता है Duplicating all these things. हर एक चीज को वो नकली रूप बना के पेश करता है How dangerous that is going to be. कितना भयानक और खतरनाक होगा ये You know, when the restraining is taken away, he is going to have his own way. And he is going to do deadly things in the holy place realm in the coming days. आने वाले दिनों में जब उसको हर प्रकार के रोकने की चीजें हटा दी जाएंगी तो वो पवित्र स्थान कितनी परेशानियों दिक्कतों का और खतरनाक You know, so everyone who is desiring for moving on in the spirit, for the gifts to be in their lives, we all must be willing to be. You know, given to that crucified life
That's very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लोग ये उस स्थान से आगे बढ़ के पवित्र महापवित्र स्थान में जाना चाहते हैं तो पवित्र आत्मा के उन वरदानों के प्रति उन्हें अपने आप को पूरी पूरी रीत से दे देना होगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. Now, having said that, let me share a few more things and move on. और ये सब कुछ कहने के बाद में आगे बढ़ना चाहते हैं. You know, some people are going to be in great danger. और कुछ लोग बहुत ही खतरनाक अवस्था में रहेंगे. So listen carefully. इसे ध्यान से सुने. Many who are in this realm of the holy place, बहुत सारे लोग जो इस पवित्र स्थान में हैं, where they have been baptized in the Spirit, यहाँ जहाँ की वे पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हैं, and they have the experience of the gifts, और यहाँ उन्होंने परमेश्वर की आत्मा के वरदानों का अनुभव किया है, and they are given to and they depend upon many of these gifts, और बहुत सारी जो वरदान है उन पे उनकी निर्भरताएं. In other words, दूसरे शब्दों में, those who are accustomed to seeing the manifestation of the unseen realm, और वो जो अदृश्य जो क्षेत्र है उसे देखने के वे आदि से हो गए हैं. Yes. The manifestation of the unseen. और वो जो अदृश्य है उसका प्रकटीकरण के वे आदि हो गए हैं. In other words, दूसरे शब्दों में, to make it more clear, और स्पष्ट करने के लिए, you know, those who depend upon guidance through supernatural means. और वे लोग जो अमनुष्य चीजों के द्वारा जिनके मार्गदर्शन के लिए इच्छुक हैं. For example, उदाहरण के लिए, there are many people who depend on dreams. और बहुत से लोग जो कि सपनों पे विश्वास करते हैं. Yes, they depend on many things they do depending on dreams. और वे बहुत सारी चीजें करते हैं सपनों पे आधारित. People depend upon some words, you know, that may come supernaturally through somebody. और किसी के द्वारा कोई वचन या कोई वाक्य वाक्यांश उस पे भरोसा करते हैं. You know, people who depend upon visions. और वे लोग जो कि दर्शनों पे आधारित, they close their eyes, they see things. और वे अपनी आंखों को बंद करते हैं और कुछ देखते हैं. You know, people who just wait on visitations. और वे लोग जो कि कुछ भेंटों का इंतजार करते हैं कि some kind of revelation. कि किसी प्रकार का प्रकाशन उनके पास पहुंचे. You know, we see all these things in the charismatic Pentecostal realm. ये सारी चीजें हम उस पेंटिकॉस्ट और करिश्माई क्षेत्र में देखते हैं. इन द नॉर्थ ईस्ट वी सी दैट अमंग द रिवाइवल्स. और पूर्वोत्तर में हमने जो जागृति का समय देखा. यू नो, जागृति का समय, दिस अ ग्रुप कॉल्ड रिवाइवल्स. ओ या, ये वो समूह जो कि जागृति या रिवाइवल वाला समूह कहलाता है. यू नो, सो पीपल हु डिपेंड ऑन दीज थिंग्स, देयर इज अ ग्रेट डेंजर for those who depend on these things. और जो लोग इस प्रकार के चीजों पे आधारित हैं, ये सच में बहुत ही खतरनाक क्षेत्र है. You know, we need to realize one thing. एक बात हमें समझ लेना होगा. These are areas where the enemy in these end times will deceive many, many God's people. परमेश्वर के बहुत सारे लोगों के अंत के दिनों में शत्रु धोखा देगा. Yes. You know, those who refuse to take up the cross daily in their lives. वे लोग जो कि प्रतिदिन अपने क्रूस को लेके चलने का इंकार करते हैं. You know, those who refuse to follow Jesus, you know, down the bloody or you know a path of blood of absolute surrender to the Lord. और ऐसे लोग जो कि प्रतिदिन प्रभु के उस रक्त के अधीन और प्रतिदिन जो है मसीह के अधीनता में पूरे समर्पण के साथ चलते हैं. Yes, those who refuse to walk that way. और जो लोग इन चीजों को अस्वीकार करते हैं. The path of blood, you know, meaning a crucified life. और ऐसा जीवन जो कि क्रूसित जीवन, ऐसे जीवन को इंकार करते हैं. Those of us who will refuse to go that way. और वे लोग जो कि इस मार्ग को अस्वीकार करते हैं. We can very easily be deceived in these end times. इन अंत के दिनों में बड़े ही सरलता से वे धोखे में आ जाएंगे. So I would like to share this with all of us. और हर एक से मैं ये कहना चाहता हूँ, बांटना. You know, there's a great need for us to trust in the Holy Spirit and allow the cross to work in our lives in these days. और इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा पे भरोसा करना. Yes. और प्रभु यीशु के उस क्रूस को कार्य करने देने की बड़ी आवश्यकता. You know, one of the things that is absent today. और कुछ चीजें जो अनुपस्थित हैं इन दिनों में. Majority of people in the realm of the holy place today, Pentecostal and charismatic, hardly speaks about a crucified life. They hardly speak about a crucified life.
और बहुसंख्यक वे जो पवित्र स्थान में जो पेंटिकॉस्ट और जो करिश्माई लोग हैं वे इस क्रूसित जीवन के विषय में प्रचार बहुत ही कम करते हैं. यू नो सो देयर सो मच कॉट अप विद द रियल्म ऑफ द सुपरनैचुरल बट दे आर नॉट ओपन फॉर द होली स्पिरिट टू ब्रिंग देम टू द क्रॉस. और वे अपने जीवन को पवित्र आत्मा की सहायता से उस क्रूस के पास लाने से हिचकिचाते हैं और वे सारे जो करिश्माई क्षेत्र हैं उसका वे उसमें हमेशा फंसे हुए रहते हैं. They are so caught up with the supernatural. और वे सारे जो अमनुष्यीय चीजें हैं उनमें वे पूर्ण रूप से फंसे हुए रहते हैं. But refuse to walk the way of the cross. उस क्रूस के उस मार्ग में चलने से हिचकिचाते हैं. As we have heard many times in the past, जैसा कि हमने कई बार the Holy Spirit brings us to the cross. कि पवित्र आत्मा क्रूस के पास हमें भेजता है. And the cross brings us back to the Holy Spirit. और क्रूस हमें फिर से वापस पवित्र आत्मा के पास भेजता है. The cross brings us to the Holy Spirit. और क्रूस जो है हमें पवित्र आत्मा के पास भेजता है. And the Holy Spirit brings us back to the cross. और पवित्र आत्मा फिर हमें वापस क्रूस के पास भेज देती है. You know, so this is very, very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. And all who continue to move in the holy place realm, और हर एक जो इस पवित्र स्थान में निरंतर चल रहा है, without allowing the work of the Holy Spirit, बिना पवित्र आत्मा को अनुमति दिए चल रहा हो, and the cross, और क्रूस के बिना, all who move, और वे सब जो चलते हैं इसमें, all who continue to move in the holy place, और जो निरंतर इस पवित्र स्थान में चला फिरते हैं, without allowing the work of the Spirit, पवित्र आत्मा के बिना कार्य अनुमति दिए, they are in great danger in these times. और क्रूस को अनुमति दिए बिना जो चलते हैं, उनके लिए बहुत ही खतरनाक. And we are visibly seeing it around us. और ये चारों तरफ हम बिल्कुल दृष्ट को देख रहे हैं. You know how far the enemy can take God's people who at one time were genuinely baptized in the Holy Spirit. एक बार वे लोग जो परमेश्वर के जन जो पवित्र आत्मा के जिन्होंने बपतिस्मा पाया है, वो शैतान उन्हें कितने दूर ले जाता. You know, genuinely had the gifts of the Spirit. जबकि उनके पास सच रूप में परमेश्वर की आत्मा के वरदान हैं. And we know that. हम जानते हैं. They are also unwilling to move on to the most holy place realm. पर कि वे इन पवित्र स्थानों के अंदर बिना पवित्र आत्मा के दे आर नॉट विलिंग टू गो ऑन टू द मोस्ट होली प्लेस. और वे इच्छा नहीं रखते हैं कि महापवित्र स्थान के अंदर प्रवेश. यू नो दे वांट टू रिमेन इन द रियल्म ऑफ द होली प्लेस. वे पवित्र स्थान में ही रहना चाहते हैं. दे डू नॉट वांट टू बी लिविंग अ क्रूसिफाइड लाइफ. वे क्रूसित जीवन जीना नहीं चाहते. एंड दे डू नॉट वांट टू मूव ऑन टू द मोस्ट होली प्लेस. और वे महापवित्र स्थानों में जाना नहीं चाहते. एंड दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी terrible time in their lives. उनके लिए उनकी जिंदगी में बहुत ही खतरनाक. They are going to be deceived. और बहुत ही वे भरमाए जाएंगे. You know, and this is already happening as we saw. और ये सब कुछ हो रहा है जैसा हमने देखा है. But while this is happening, और जब ये सब कुछ हो रहा हो, as we heard, जैसा हमने सुना है, God is also calling His remnant to move on into the most holy place realm. और परमेश्वर अपने शेष लोगों को महापवित्र स्थान में बुला रहा है. He is calling them to move on to the most holy place behind the veil. और वो अपने लोगों को महापवित्र स्थान में पर्दे के उस पार बुला रहा है. And the Lord is initiating a new work in the lives of such people. और इस प्रकार के लोगों की जिंदगी में परमेश्वर एक नए कार्य को आरंभ कर रहा है. Who are willing to go on behind the veil into the most holy place. और वे लोग जो इच्छुक हैं कि वो पर्दे के उस पार महापवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहते हैं. They are willing to go the way of the cross. और वे तैयार हैं क्रूस के जीवन को जीने. They are open for that crucified life. और वो क्रूसित जीवन के लिए इच्छुक हैं. Yes. And I would like to say. और मैं कहना चाहता हूँ. It shall be as in the days of Hezekiah. और ये वैसे जैसे कि हिजकिया के दिनों में हुआ. Yes, it shall be as in the days of Hezekiah. जैसे हिजकिया राजा के समय में हुआ. You know, when we turn to the book of Second Chronicles, I want to turn us to that scripture. और दूसरा इतिहास मेरे today. आज की सुबह. And we are going to see some precious things out of that book. और उस किताब में से हम Second Chronicles and chapter 29. और 29 अध्याय दूसरा इतिहास. You know, the Lord moved in the heart of Hezekiah. और परमेश्वर हिजकिया के हृदय के अंदर उसने ये कार्य किया. Yes.
And we see that he ordered that the holy place may be cleansed. और उसने आज्ञा दी कि पवित्र स्थान साफ किया जाए. The Lord would cleanse the holy place. और परमेश्वर उस पवित्र स्थान को साफ करेगा. And even so, और यदि इस प्रकार से है, in these times in which we are living, ये दिन जिसमें हम सब रह रहे हैं, the Lord would cleanse His holy place in our lives. हमारी जिंदगियों में पवित्र स्थान को परमेश्वर शुद्ध करेगा. God is cleansing the holy place of our lives individually and corporately in these times. व्यक्तिगत जीवन और जो संगठित रूप से उसकी कलीसिया के पवित्र स्थानों में परमेश्वर सफाई का काम कर रहा है. He would cleanse His holy place in the lives of God's people. और उसके पवित्र स्थान को वो साफ करेगा हर एक उसके लोगों के मध्य में. God is at work in His remnant, brothers and sisters. मेरे भाइयों बहनों परमेश्वर अपने शेष लोगों के मध्य में काम कर रहा है. Who would hear what the Spirit is saying to the church in this time? और इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा उनसे कह रहा है. You know, and God is doing that. और परमेश्वर वो सब कर रहा है. And as we have been hearing on Wednesdays in our Bible studies, जैसा कि हम बुधवार के बाइबल अध्ययनों में भी सुन रहे हैं, the Lord is saving our soul. परमेश्वर हमारे प्राणों को बचा रहा है. Which is again the holy place realm. और वो पवित्र स्थान है. And I want to say, brothers and sisters, this is the initiation of the Spirit in the midst of God's people. परमेश्वर के लोगों के मध्य में ये परमेश्वर की आत्मा का कार्य है. Now, turn with me to the book of, yes, we have seen Chronicles, we'll come back to that. But again, I want us to turn to the book of John chapter 4. और यूहन्ना के चौथे अध्याय में मैं चाहता हूँ. As I said, God wants to cleanse the holy place realm. और परमेश्वर चाहता है कि पवित्र स्थान को शुद्ध किया जाए. You know, and let's just turn to John chapter 4. यूहन्ना चार में. A scripture which is very familiar to all of us. और बहुत ही सुपरिचित वचन है वो. Yes, John chapter 4. यूहन्ना चार. Verse 23 and 24. Yes. But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for Father seeketh such to worship Him. परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है. You know, the Lord Jesus said these words. और ये वचन प्रभु यीशु ने कहे. He said, the Father is seeking for worshippers. पिता अपने आराधकों को ढूंढता है. Not any kind of worshippers. और अन्य प्रकार के किसी प्रकार के आराधकों को नहीं. The world is full of worshippers today. पर किस प्रकार के आराधक हैं आज? They worship everything that they want to worship. और जो वो आराधना करना चाहते हैं हर प्रकार की आराधना. Then there are religious people who worship the living God. और कुछ धार्मिक लोग हैं जो कि जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं. But they worship the way they want to worship. पर किस प्रकार से करना चाहते हैं वे इस प्रकार से आराधना करते हैं. But in the midst of that, the Father is seeking for true worshippers. पर इन सारे चीजों के मध्य में पिता अपने आराधकों को ढूंढता है. Now the Moffat's translation puts it this way. और मफित अनुवाद जो है इस प्रकार से कहता है. द रियल वर्शिपर्स, जो सच्चे आराधक. दैट्स द रेंडरिंग ऑफ दिस ट्रांसलेशन. इट सेज द रियल वर्शिपर्स, सच्चे आराधक, विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड इन रियलिटी. और जो सच्चे आराधक हैं वे आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे. फॉर दीज आर द वर्शिपर्स that the Father desires. और इसी प्रकार के आराधक हैं जो परमेश्वर ढूंढ रहा है. God is spirit. परमेश्वर आत्मा है. And His worshippers. और उसके जो आराधक. Must worship Him. उसे अवश्य ही आराधना करें. In spirit and in reality. आत्मा और सच्चाई से. God is spirit. परमेश्वर आत्मा. And His worshippers. और उसके आराधक. Must worship Him. उसकी ये आराधना अवश्य करें. In spirit and in reality. आत्मा में और सच्चाई में करें. Yes. You know, and J.B. Phillips translation. और J.B. Phillips अनुवाद में says like this. इस प्रकार से कहते हैं. It says true worshippers. जो सच्चे आराधक हैं. Will worship the Father. पिता की आराधना करेंगे. In spirit and in reality. और आत्मा में और सच्चाई में करेंगे. Yes, indeed.
और वास्तव में द फादर लुक्स फॉर मेन और इसी प्रकार के लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है who will worship him like that. इस प्रकार से उसके लोग आराधना करें. God is spirit. आत्मा है परमेश्वर. And those who worship him और जो उसकी आराधना करते can only worship in spirit and in reality. तो केवल उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें. Those who worship him जो उसकी आराधना करते can only worship him केवल उसकी आराधना In spirit and in reality. आत्मा में और सच्चाई में करें. Only can only worship in spirit and in truth. केवल आत्मा और सच्चाई से करते. There is no other way you can worship this God. और कोई तरीका नहीं परमेश्वर की आराधना करने. Yes, permit me to share one more translation. एक और अनुवाद की मुझे अनुमति दें. Which is the West New Testament translation. और ये West New Testament. It says. The genuine worshippers और जो सच्चे आराधक हैं shall worship the Father वो पिता की आराधना in a spiritual sphere. I love that translation. आत्मिक आदर और भय के साथ करें. You know, आत्मिक sphere वातावरण. Oh, yes. Sphere. और आत्मिक वातावरण में. Yes, that's a wonderful. The genuine worshippers shall worship the Father in a spiritual sphere. और सच्चे आराधक पिता की आराधना आत्मिक वातावरण में करें. यस एंड इन द स्फीयर ऑफ ट्रूथ और इस वातावरण में सच्चाई से उसकी आराधना करें. यस नो आत्मिक वातावरण इन दिस स्फीयर ऑफ ट्रूथ सच्चाई के वातावरण में वे आराधना करें. करेक्ट दे विल वर्शिप द फादर इन स्पिरिचुअल स्फीयर एंड ऑल्सो इन द स्फीयर ऑफ ट्रूथ. ओके तो परमेश्वर की आराधना या पिता की आराधना उसके आराधक आत्मा के वातावरण और सच्चाई के वातावरण में करेंगे. यस फॉर इंडीड द फादर इज सीकिंग सच एज दीज टू वर्शिप हिम और इसी प्रकार के आराधकों को पिता ढूंढता है आराधना के लिए. गॉड एज टू हिज नेचर इज स्पिरिट और परमेश्वर जो कि स्वभाव में आत्मा है. यस As for those who are worshipping, और जो उसकी आराधना करते हैं, it is necessary, और ये जरूरत है, in the nature of the case to be worshipping in a spiritual sphere and in a sphere of truth. और उन्हें उसी स्वभाव और आत्मिक वातावरण और सच्चाई के वातावरण में प्राप्त आराधना करनी और ये जरूरत है. इट इज नेसेसरी ये जरूरत है. सो रिमेंबर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स मेरे भाइयों बहनों याद रखें. यू नो ऑल दैट इज कॉल्ड टुडे वर्शिप इज नॉट ट्रू वर्शिप और जो आराधनाएं कहलाती हैं इन दिनों में इट इज नेसेसरी नहीं है और ये जरूरी नॉट एनी स्फीयर और जो वातावरण है. नो बट इट हैज टू बी द स्फीयर ऑफ स्पिरिट And the sphere of the truth. बल्कि ये वातावरण आत्मा का और ये वातावरण सच्चाई का हो. That is what the word of God says. और यही तो परमेश्वर का वचन कहता है. So brothers and sisters, God is going to bring about a great cleansing in the life of His remnant in these end times. इन अंत के दिनों में परमेश्वर अपने लोगों के मध्य में एक परिवर्तन को एक सफाई को लेके आने आ रहा है. God hates fleshly worship. और परमेश्वर जो